नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसी बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। बता दें आपको कि अब 28 स्टेशनों पर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि स्टेशन की नौकरी अब मिलने जा रही है। JTBS यानी कि जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक के तौर पर अब बहाली की जा रही है और इसमें बताया ये जा रहा है कि कई ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें इसमें बहाल किया जाएगा। कुछ योग्यता इसमें बताई गई है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि समस्तीपुर रेल मंडल के 10 जिलों के 28 रेलवे स्टेशनों पर बेरोजगार युवकों को टिकट बुकिंग के लिए बहाल किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्टेशनों पर कमीशन बेस पर जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक यानी कि JTBS का चयन किया जाएगा। चिन्हित अभ्यर्थियों को रेल मंडल के चिन्हित स्टेशनों पर साधारण टिकट काटने का अधिकार दिया जाएगा। आपको बताएं कि जानकारी के अनुसार रेल मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम, मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जकनपुर रोड, धौरम मधेपुरा, सुपौल, झाझरपुर, रोसरा घाट, सिमरी बख्तियारपुर, चिकिया, सगौली, बघा, बरनिया, लहेड़िया सराय, हरिनगर, बनमखी, सकरी, पूर्णिया कोट, मुरलीगंज, हसनपुर रोड एवं मोतीपुर स्टेशन के लिए JTBS का चयन किया जाएगा। यानी कि इन स्टेशनों पर JTBS का चयन किया जाएगा। कुल 28 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर JTBS का चयन किया जाएगा, यानी कि स्टेशन पर टिकट काटने के लिए अब युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यानी उसके जरिए भी अब युवा जॉब कर सकते हैं। इसके आवेदन कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। बता दें कि इसके आवेदन की प्रक्रिया के लिए अनारक्षित टिकट बेचने के लिए रेलवे की ओर से JTBS नियुक्ति किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन को फॉर्म भरकर देना होता है। कम से कम 10वीं पास, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति आवेदन दे सकता है। जिन स्टेशन क्षेत्र में JTBS खोला जाएगा आवेदन का, उस क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। JTBS के लिए मोडेम, डंप टर्मिनल और कीबोर्ड, टिकट प्रिंटिंग, रिपोर्ट प्रिंटिंग, UPS के साथ टर्मिनल उपकरण अपने खर्च पर लगाने होंगे। टिकट बेचने पर JTBS के प्रति यात्री 1 रुपया कमीशन मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक के अलावा अन्य कोई यात्री टिकट नहीं दे सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अगले दिन दोपहर 3 बजे तक आवेदन लेकर रेलवे उसी दिन वहां पर 4:30 बजे तक आवेदनों को छटनी कर JTBS का चयन किया जाएगा। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया रेलवे पे ही होनी है और इसका काफ़ी जो योग्यता है कह सकते हैं काफ़ी कम है। 10वीं पास जो ऐसे युवा हैं उन्हें भी इसमें नौकरी मिल सकती है। 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए इस आवेदन को डालने के लिए। तो बेरोजगार क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा हैं और हर दिन आए दिन हम देखते हैं कि सरकार के खिलाफ युवा सड़क पर उतर हैं और नौकरी की मांग करते हैं, और इसे ही लेकर के अब सरकार अलग अलग जरिए से लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है जिसमें JTBS भी शामिल है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज के साथ बने रहिए। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। आप हमें Twitter हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।